आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर दिनेश पवार पर। और दिवाली की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं हैं हमारे पूरे परिवार की ओर से, आप सभी के लिए फैमिली। तो हम सब मानो नहा लिए हैं, शिवम रश्मि का बाकी है और वो भी नहाने वाले हैं। और करो फैमिली यह देखिए कितने बच्चे खुश नजर आ रहे हैं। तारिणी, शतरानी, इधर निकलो बाहर, ए इधर निकलो। हाँ यह देखो इनको है ना फैमिली, ये घाघरा पहनने की बहुत उत्सुकता थी, इसलिए है ना आज नहीं पहना रहे थे, पर उन्होंने बहुत जिद लगाई, बोले हमको आज ही पहना दो, बोले तो ऐसे कपड़ों पर उसको पहना दिए है तारिणी सतरानी को। आम भी रहते बोलने हम कर तो। और ये अपना नीलकंठ को चड्डी, मतलब है ना मैंने आपको बताया था आधा अधूरा हमने कपड़े लिए, ऐसा किसी के कपड़े ये नहीं लिया गया और किसी का पैंट वगैरह ऐसा ऐसा हुआ था। तो नीलकंठ के लिए दो चार चड्डी ही है और तारिणी सतरानी के लिए कपड़े भी हैं। और शिवम के लिए सेट है खाली, और पैंट है उसके पास, उस पे ही दिवाली करेंगे और बाद में जब समय होगा तब ले लेंगे। रश्मि के भी पूरे हैं कपड़े और पूजा जी के भी सब हो गए। हम आप सभी फैमिली और दोस्तों की दुआ से बहुत आज खुश है। और यह देखिए फैमिली, यह देखिए रंगोली कल हमने बनाया था। बहुत अच्छे से बनाए थे फैमिली। ये बनाए थे और दिए भी बनाकर रखे थे, उस पर फूल सब डाल रखे हैं और अपने तेल के भी दिए जलाए थे। तो बस अभी सब तैयारी हो रहे हैं मानो, पर खाना वाना सब पड़ा हुआ है, वो करेंगे अभी। तो बने रहिए, पूजा जी आगे क्या करती है आपको बताते हैं फ्रेंड्स। फैमिली पूजा जी घाघरा निकाल रही है क्योंकि उन्होंने है ना बहुत जिद कर रही थी तो पहना दिया था, तो यह निकाल दिया है। और उसके जो कुछ चड्डी पैंट होती है छोटे बच्चों की, वो पहना दिए। बहुत अच्छे, सबको पसंद आ रहे हैं फैमिली। तीन ये है और निकाल दिए है अभी, ये देखो ऐसे वो राड़ा कर रहे हैं, इसकी वजह से पहना दिए थे उनको। अरे यार बुला तो।
वो है चली। अरे क्या हाथी हाथी इसका त्रिमार दे कपड़ा बोले आया आज झपली मार। तो फैमिली देखिए ये निकाल कर पहनाए हैं पर नाराज हो गए हैं वो। तो चलो कोई नहीं, अभी घर का काम करेंगे और पूजा जी आगे क्या करती है देखते हैं। शिव आया आया शिव की तू सूट अब है ना खोरी ना कौन सा है चल फ्रेंड अभी चाय भी बनाएंगे और खाना तो पड़ा हुआ है और दूध लेने के लिए शिवम को भी पड़ा है खाना किस खाना काई को नहीं तू जा खाना बनाने का पड़ा हुआ है मतलब अभी तक बना नहीं है जगह पर ही है वो ऐसा। तो चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं चाय बना लेते हैं और दर तो बना लिया यस सब ये करके मिलते हैं है? और पानी आधा डेगड़ा है सब ठीक है वातावरण एकदम सहल पहल हो रहा है दिवाली के लिए सबका और सब अच्छा अच्छा ही लग रहा है फैमिली। ये तिलक और ये करके है ना फैमिली हम खोरी को जाने वाले हैं उनका ब्लाउज वगैरह छुड़ाने के लिए और कुछ दूसरे भी काम है शिवम के रश्मि के फिर कुछ खाना बनाने के लिए मीठा कुछ बनाने का मन हो रहा है वो लाएंगे कुछ खोरी से ही ला लिएगे। उस दिन गैस सिलेंडर लेने गए तो हमने बहुत सोचा कि कुछ लेकर जाते कुछ सूझा नहीं बस फूल लेकर आ गए थे साथ ही साथ आज सब करेंगे तो फैमिली थोड़े काम में थोड़े व्यस्त हो गए थे और चाय बन गई है बढ़िया चाय हुई है पी देते हैं। तो आओ फैमिली हम वीडियो बना रहे थे तब तक शिवम ने बना डाली है चाय दूध वाले बहुत गर्म है नहीं बहुत गर्म है पूरा थाली भर दिया है वाटकी हम भी वही सोच रहे फैमिली जो आप सोच रहे होगे कि आप वही सोच रहे होगे जो मैं सोच रहा हूँ। तो आओ पीते हैं चाय पीते हैं फ्रेंड और खाना जल्दी से खाते हैं इसलिए बहुत बहुत अच्छी चाय और चाय का टेस्ट इलायची है इलायची इलायची का चाय बना है और बहुत अच्छे से बना है बहुत आनंद आ रहा है फैमिली बहुत बहुत अच्छी चाय बनी है और यह शिवम ने बनाई है चाय आज से उसे ही बैठाना पड़ेगा मेरे से चाय
फट जाती है। तो फैमिली इसे खत्म करके मिलता हूँ। और ऐसे है ना, हमारे खेड़े गांव में चल जाता है फैमिली, शहर में लगभग नहीं चलता होगा, पर खेड़े गांव में है ना, हर दूसरे घर में ऐसे ही थाली भर भर के चाय पीते हैं। तो इसे खत्म कर देगी फैमिली, बहुत अच्छी चाय बनी है, आगे बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। और फ्रेंड भाई एक बात बताना चाहती हूँ, चाय की टपरी जब खोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा ना, बताइएगा। नहीं अच्छा होगा फैमिली, क्योंकि हमारी चाय फट जाती है बार बार। चलो बाद में देखेंगे और सोचेंगे। खत्म कर दिया है फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए समझा देता हूँ कि मैंने यही आपको समझाया था कि इतना थाली भर के चाय पी रहे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे ऐसा। तो चलो देखते हैं अभी। तो फैमिली दोस्तों हमारा सब हो गया है, और ये अपना पप्पी पूजा जी इसे बहुत अच्छे से लाड करती है, पर है ना वो मारती है, को है ना? आप फ्रेंड्स बोल रहे थे कि भाभी जी मत मारो, दीदी मत मारो, वो रात को क्या करता है फ्रेंड, वो जो रोता है इसीलिए वो नया है, उसकी मम्मी के लिए रो रहा है, और ज्यादा नहीं रोता है, बहुत इतना सा छोटा है तो भी है ना, बाहर निकलकर सुमसान जगह सुमसान समय पर है ना इतना भौंक रहा था, आज पूछो मत, हम डायरेक्ट खुश हो गए उससे। इतना भौंक रहा था कि पूछो मत, ऐसे गली में निकल कर बाहर। तो इसके लिए ही हम खेड़े पाड़े वाले इनको पालते हैं और घर पर रखते हैं कि हमें कुछ सतर्क कर सके कुछ आइन मौके पर। तो इन सब का है ना बहुत हमें लाभ होता है कि हमें समय समय पर वो सतर्क कर देते हैं, इसलिए उसको पालते हैं। और ये तारिणी की पसंद की वजह से हमने इसे ला लिया था। तो हमारा पूरा हो गया है, तो हम अभी खोरी को निकलते हैं और आगे मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं। समय मिला तो हम शाम का वीडियो बनाएंगे, नहीं मिला तो सुबह का वीडियो बनाएंगे। और सर्दी भी बहुत हो रही है, तो लंबा वीडियो हो रहा है, और हमने जो बताना था वो सब बता दिया है, इस कारण से इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। और आप सभी फैमिली का प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, हम यही आशा रखते हैं। फ्रेंड रात को हमने रंगोली का वीडियो बनाया है इंस्टाग्राम में, हाँ तो देखा होगा। और आप सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे फैमिली, और आप सभी फैमिली को भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो चलो मिलते हैं आगे, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंडेश।